हेलो राइडर्स, कैसे हो आप सब। दोस्तों, अगर आप एक ऐसी बाइक लेने का सोच रहे हो जो 80,000 से 90,000 के बीच में हो तो आपने सही वीडियो पे क्लिक किया है। आज के इस वीडियो में मैं आपको 80,000 से लेकर 90,000 के बीच में आने वाली टॉप 3 बेस्ट बाइक के बारे में बताने वाला हूँ, जिसमें आपको काफी बढ़िया लुक, फीचर और पावर देखने के लिए मिल जाता है। वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को स्किप या मिस बिल्कुल मत करना। मेरा नाम है अनमोल और आप देख रहे हैं फोर व्हील। दोस्तों, अगर आपको एक ऐसी बाइक चाहिए जिसमें आपको काफी बढ़िया लुक, माइलेज और पावर देखने को मिले तो आप टीवीएस की स्पोर्ट परचेज कर सकते हैं। बाइक का जो लुक है वो बहुत ही ज्यादा शानदार प्रोवाइड कराया गया है। बाइक के फ्रंट में आपको हेलोजन में हेडलाइट का सेटअप देखने को मिलेगा। बाइक के जो इंडिकेटर है वो आपको हेलोजन में देखने को मिलेंगे और बाइक के रियर में आपको हेलोजन में टेल लाइट का सेटअप देखने के लिए मिल जाएगा। दोस्तों, अगर हम बाइक के मीटर कंसोल के बारे में बात करें तो बाइक में आपको एनालॉग मीटर कंसोल देखने के लिए मिल जाएगा। माइलेज के बारे में बात करें तो ये बाइक 70 KMPL का प्लस माइलेज आपको सिटी राइडिंग और हाईवे राइडिंग पर आराम से दे देगी। बाइक के अगर सस्पेंशन के बारे में बात करें तो बाइक के फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक फोक और रियर में हाइड्रोलिक शॉक सस्पेंशन का सेटअप देखने के लिए मिल जाएगा। बाइक में आपको सेल्फ स्टार्ट और किक स्टार्ट का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। बाइक E20 मॉडल के साथ देखने के लिए मिलेगा, जो कि V6 फेज 2 वाला इंजन होगा। अगर हम इस बाइक के प्राइसिंग के बारे में बात करें तो ये बाइक 17,000 के ऑन रोड प्राइस पे अवेलेबल हो जाएगी। अगली बाइक के बारे में बात करें तो वो है होंडा की साइन 100। दोस्तों, बाइक का जो लुक है आपको एकदम सिंपल प्रोवाइड कराया गया है। अगर हम बाइक के फ्रंट लुक के बारे में बात करें तो बाइक के फ्रंट में आपको हेलोजन में हेडलाइट का सेटअप देखने के लिए मिलेगा। बाइक के जो इंडिकेटर है वो आपको हेलोजन में देखने के लिए मिलेंगे और बाइक के रियर में आपको हेलोजन में टेल लाइट का सेटअप देखने के लिए मिल जाएगा। अगर हम बाइक के मीटर कंसोल के बारे में बात करें तो बाइक में आपको एनालॉग मीटर कंसोल देखने के लिए मिलेगा। ये बाइक आराम से 70 KMPL प्लस का माइलेज दे देगी, जो कि काफी अच्छी बात है। बाइक E20 मॉडल के साथ देखने के लिए मिलेगा, जो कि BS6 फेज 2 वाला इंजन होगा। सस्पेंशन सेटअप के बारे में बात करें तो बाइक के फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक फोक और रियर में डुअल शॉक ऑब्जर्वर का सेटअप देखने के लिए मिल जाएगा। बाइक में आपको ड्रम ब्रेक का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। दोस्तों, अगर आपको एक ऐसी बाइक चाहिए जो आपको अच्छा खासा माइलेज प्रोवाइड करा सके तो आप ये बाइक परचेज कर सकते हैं। अगर हम बाइक के प्राइसिंग के बारे में बात करें तो ये बाइक आपको 72,000 के ऑन रोड प्राइस पे अवेलेबल हो जाएगी। नंबर 3 वाली बाइक के बारे में बात करें तो वह हीरो की स्प्लेंडर प्लस। दोस्तों, अगर आपको एक ऐसी बाइक चाहिए जो आपका साथ कम से कम 5 से 10 साल तक आराम से दे तो आप ये बाइक परचेज कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों हीरो कंपनी ने इस बाइक का जो लुक है इस बार बहुत ही ज्यादा शानदार और बहुत ही ज्यादा प्रीमियम प्रोवाइड करवाया है। बाइक में आपको नए कलर, नए ग्राफिक, नए थीम देखने को मिल जाता है। बात करेगा बाइक के फ्रंट लुक के बारे में तो बाइक के फ्रंट में आपको हेलोजन में हेडलाइट का सेटअप देखने के लिए मिलेगा। बाइक के जो DRL है वो आपको LED में देखने के लिए मिलेंगे। बाइक के इंडिकेटर आपको हेलोजन में देखने के लिए मिलेंगे और बाइक के रियर में आपको हेलोजन में टेल लाइट का सेटअप देखने के लिए मिल जाएगा। बात करेंगे बाइक के मीटर कंसोल के बारे में तो बाइक में आपको डिजिटल मीटर कंसोल देखने के लिए मिलेगा, जिसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ टर्न बाय टर्न नेविगेशन, साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर जैसे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। माइलेज के बारे में बात करें तो ये बाइक आपको सिटी राइडिंग और हाईवे राइडिंग पे 60 से 65 KMPL का माइलेज आराम से दे देगी, जो कि काफी अच्छी बात है। बात करेंगे बाइक के इंजन के बारे में तो बाइक में आपको 100 cc का इंजन देखने को मिलता है, जो कि मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है 7.91 BHP की, मैक्सिमम टॉर्क जनरेट करता है 8.05 Nm की। बाइक में आपको 4-speed गियरबॉक्स मैनुअल का सेटअप देखने के लिए मिल जाता है। बाइक आपको E20 मॉडल के साथ देखने के लिए मिलेगा, जो कि BS6 फेज 2 वाला इंजन होगा। दोस्तों, हीरो की स्प्लेंडर एक ऐसी बाइक है जिसमें आप कोई से भी मॉडिफिकेशन आराम से करवा सकते हैं इस बाइक में। अगर हम इस बाइक के प्राइसिंग के बारे में बात करें तो ये बाइक आपको 90,000 के ऑन रोड प्राइस पे अवेलेबल हो जाएगी इंडिया में। दोस्तों, आपको इन सभी बाइक में से कौन सी बाइक अच्छी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर जाना। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को जरूर